Hi students, how are you doing? This is Abu Saad and you are watching Abu Saad classes. Today we gonna learn about use of make. So let's get started. Students, make एक बहुत useful verb है और इसका अर्थ है सृजन करना, निर्माण करना, उत्पादन करना, तैयार करना, मजबूर करना, ख़ास अंदाज में करने या अभिनय करने का कारण बनाना इत्यादि। लेट शब्द की समानता में मेक का अर्थ है किसी को किसी कार्य बिना किसी विकल्प के करने का दबाव डालना। दूसरे शब्दों में उनको वो कार्य करना पड़ता है, मेक के बाद भी टू का प्रयोग नहीं करते। तो स्टूडेंट्स देखते हैं लेट और मेक के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है लेट गिव्स परमिशन टू डू समथिंग एंड द अदर पर्सन हैज एन ऑप्शन टू डू इट आर नॉट, वेयर एज मेक फोर्सेस टू डू समथिंग एंड द अदर पर्सन हैज टू डू इट वेदर ही वॉन्ट्स टू डू इट आर नॉट। डिफरेंस है लेट किसी को कुछ करने की परमिशन देता है लेकिन उसके पास उसको करने या छोड़ने का ऑप्शंस होता है, वो चाहे वो काम करे या ना करे। लेकिन मेक किसी काम को करने के लिए कहता है तो उस पर दबाव डालता है कि वो इसको हर हाल में करे, चाहे ये करने की मर्ज़ी उसकी हो या ना हो। ये डिफरेंस है लेट और मेक के बीच में। यहाँ उसकी डिफिनेशन हिंदी में भी लिखा गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि लेट और मेक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं इसको स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स या मेड या मेड, क्योंकि मेक का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वह सबसे अपने असिस्टेंट को भी सलाम करवाता है, He makes everybody salute. Second example है मेरे मित्र ने मुझसे ये गलती करवाई, My friend made me make this mistake. Students make को आप तकरीबन हर सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और examples हैं, तुम्हें उससे पढ़ाई करवानी चाहिए, You should make him study. मैंने उससे तीन बार माफ़ी मंगवाई, आई मेड हिम अपोलोजाइज 3 times। जब मैं छोटा था मेरी मम्मी मुझसे मेरा कमरा साफ करवाया करती थी, वेन आई वॉज यंग माई मम यूज टू मेक मी क्लीन माई रूम। किसी भी कीमत पर तुम्हें उसे शादी के लिए तैयार करना है, एट एनी कॉस्ट यू आर टू मेक हिम रेडी फॉर मैरिज। वो बिस्तर में जाने से पहले अपनी पीठ की मालिश भी करवाती है, शी मेक्स हर मसाज हर बैक ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड। नहीं तो वह तुमसे सारी जिंदगी खाना बनवाएगा, अदरवाइज ही विल मेक यू कुक फूड फॉर होल लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये थे यूजेज ऑफ मेक। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके यूजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।